नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रेलगढ़ में। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक नई मेड इन इंडिया वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के पहले मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के बारे में। दोस्तों इस ट्रैक्टर की डिमांड दुनिया के बड़े बड़े देशों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसने जो है भारत का नाम काफ़ी दूर तक रोशन किया है। दोस्तों जानेंगे हम इस वीडियो में सारी डिटेल, सारी जानकारी। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे ही मेड इन इंडिया वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों सोनालिका कंपनी के द्वारा बनाया गया, भारत में लॉन्च कर दिया गया है ट्रैक्टर जिसका नाम है टाइगर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, जो कि भारत का पहला फील्ड रेडी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बन चुका है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल्स को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर लगी है 25.5 किलोवाट की इको फ्रेंडली बैटरी, जो कि 10 घंटे में फुली चार्ज हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर इसमें एक सुपर फास्ट चार्जिंग का मोड है जो इसको 4 घंटे में ही फुली चार्ज कर देता है। दोस्तों हम बात करें चार्जिंग के बाद इसका बैटरी बैकअप करीबन 8 घंटे का हो जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें इसकी स्पीड को लेकर के, तो इसको मैक्सिमम 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से चलाया जा सकता है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसकी बैटरी चार्जिंग को लेकर के, तो ये हमारे फ्यूल की तुलना में 1/4 ही हिस्सा खाता है इलेक्ट्रिसिटी का, और उतने में ही इसकी लगी हुई 25 किलोवाट की बैटरी आसानी से चार्ज हो जाती है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसकी कीमत को लेकर, तो करीबन 5.99 लाख यानी करीबन 6 लाख रुपए इसकी कीमत है एक ट्रैक्टर की। और वहीं पर हम बात करें कंपनी को लेकर के, तो सोनालिका एक ऐसी कंपनी है जो कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों को नंबर 1 क्वालिटी के ट्रैक्टर्स को एक्सपोर्ट करती है और यहाँ पर नंबर 1 कंपनियों में भी शामिल हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अब इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर जो नजर है वो कई देशों की है। और खबरों के मुताबिक माने तो अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों ने इस ट्रैक्टर को मंगवाने की भी प्लानिंग कर ली है और जल्द ही इन ट्रैक्टर्स को इन देशों को एक्सपोर्ट किए जाने की उम्मीद बन रही है। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में कितनी जल्दी यहाँ पर इन ट्रैक्टर्स को और देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है और हमारे देश के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा इन ट्रैक्टर्स चलाया जाता है ताकि एनवायरमेंट को कोई भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। जानेंगे आने वाली वीडियोज में हम और भी जानकारियां। फिलहाल के लिए आज इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।